इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अधीर रंजन चौधरी ने ममता के आरोपों को नौटंकी कहा तो नंदीग्राम के लोग भी कह रहे हैं कि ममता पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें सुरक्षा कर्मियों की गलती से चोट लगी है। जहां ममता घायल हुई उस जगह से अर्चना सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम नंदीग्राम के बुरुलिया बाजार में ठीक उसी जगह पर हैं, कल जहां पर ममता बनर्जी को चोट लगी। जब ममता बनर्जी मां काली के दर्शन करके शाम को इस जगह पर आई तो यहीं पर ये जो आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस एंगल की वजह से ममता बनर्जी को चोट लगी। दरवाजा यहां पर खुला और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया, जिसकी वजह से उनको चोट लगी। यहां पर दोनों पक्ष के लोग हैं, इस मामले में राजनीति हो रही है, उनको चोट लगी है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही आई है, मेडिकल रिपोर्ट जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसमें कहा गया उनको चोट लगी है और उनके चेहरे पर दर्द भी दिख रहा था। लेकिन यहाँ के लोग कल भी यही कह रहे थे कि वो चोट किसी ने नहीं मारी है, उनको किसी ने हमला नहीं किया है, ममता बनर्जी को एक्सीडेंटली चोट लगी है और वो उनकी सिक्योरिटी है, ड्राइवर की लापरवाही है। यहाँ पर अब आप देखिए दोनों पक्ष के लोग हैं, इधर ये बीजेपी के लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम के बारे में झूठ फैला रही है, यहाँ पर उन पर किसी ने हमला नहीं किया। इधर है टीएमसी के लोग हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं ममता बनर्जी के पक्ष में, यहाँ पुलिस बल की भी तैनाती की गई है जो दोनों पक्षों को दूर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी तरह की यहाँ पर अप्रिय घटना न हो। अब से कुछ रिपोर्ट देनी है चुनाव आयोग को, लेकिन यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, दोनों पक्ष यहाँ पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। एक पक्ष जहाँ ये कह रहा है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को बदनाम करने की कोशिश की है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको चोट लगी है लेकिन उसकी वजह ये नहीं कि उन पर हमला हुआ। दूसरा पक्ष लगातार विरोध में नारेबाजी कर रहा है, इन लोगों के वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ ममता बनर्जी को चोट लगी। तो ये राजनीति कल रात से ही शुरू हो गई थी जब अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसे शब्द किए कहे जो ठीक नहीं थे, क्योंकि ममता बनर्जी वाकई में घायल हुई हैं, बीजेपी की तरफ से भी कई तरीके की बातें कही गई हैं, लेकिन ये सच है कि ममता बनर्जी को चोट लगी है, लेकिन किस तरह से लगी है ये जांच का विषय है। यहाँ जो लोग मौजूद थे कल उस दौरान, उनका साफ कहना है कि ममता बनर्जी को चोट एक्सीडेंटली लगी है, इसकी वजह ये बिल्कुल नहीं है कि ममता बनर्जी पर किसी ने हमला किया है। इस दुकान में जो व्यक्ति मौजूद थे जहां से आइस ली गई, उन्होंने भी यही बात कही और तमाम लोग यही बात कह रहे हैं। कहां से आए? कहां से? बगल में से आया है। क्या हुआ था? थे कल यहां? यही पे बगल में था, हम लोग देखा जो ममता जी यहां पर जखन उतर रहा था उसी टाइम कुछ आदमी बगल में मना जो गेट था गाड़ी का गेट उसी में धक्का दे दिया, और बहुत टीएमसी का आदमी था वो जो देखने के लिए वो देख रहा था, सोच रहा था, और उसी टाइम यहाँ पे थे कल यहाँ पे बगल में था। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, देखिए भारी संख्या में पुलिस हालांकि लोगों को कंट्रोल कर रही है, नारेबाजी हो रही है। क्या हुआ था, क्या आप लोग यहाँ पर अभी क्यों आए? जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आया अहमदाबाद से रायपड़ा जाने के लिए, बाद मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद यहाँ पे रोका ओ उसका जो कार्यकर्ता उसका अभी नमस्ते कर रहा था, वो मुख्यमंत्री खुद वह लेफ्ट पा बाहर किया एंड थोड़ी रोका एंड उसके बाद वो जाना चाहता है बात। मतलब आप ये कह रहे हैं किसी ने मारा नहीं, हमला नहीं हुआ? नहीं हमला हुआ, कोई नहीं हमला हुआ, हमला नहीं हुआ है ये कह रहे हैं? नहीं हमला नहीं, चक्रांत तो है, हमला नहीं है, हमला नहीं है। पुलिस लगातार यहाँ पर शांति रहे इसकी कोशिश कर रही है, जो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे थे उन्हें देखिए यहाँ से हटाकर दूर ले जाया गया है। यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन अम्फान तूफान आया तभी सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था। ये कैमरा इस दुकान के मालिक ने लगवाया था, ज्वेलर शॉप है ये, इन्होंने यहाँ पर लगवाया था, लेकिन अभी ये खराब है इसलिए इसके फुटेज से भी कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, बिरुलिया बाजार, नंदीग्राम। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।